हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। सब्जी चढ़ा दी है गैस पे तड़का लगा करके, और अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। तो बस जब खाना होगा तो गर्मा गर्म चपाती बना दूँगी। तो सब्जी बनाने के लिए ये देखिए तड़का जो है रेडी हो चुका है। टमाटर प्याज का तड़का तैयार कर दिया है, और इसके अलावा फिर ये छोले, वाइट वाले छोले बना रही हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक चूल्हे में ना थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, आजकल गैस की भी बचत चल रही है। और मतलब अपना काम करते रहो जो से आप कर रहे हो, और यहाँ पे कमांड दे दो एक बार तो ये इजी हो जाता है। मतलब ना देखने की ज़रूरत पड़ती, ना ये बाहर को पानी वानी निकलता है, तो मुझे अच्छा लगता है। थोड़े से आलू भी मैंने डाले थे इसमें, एक ही आलू डाला था तो वो भी इसमें ऐड कर दिया। आलू और छोले ना बहुत अच्छे लगते हैं वैसे तो, पर अभी मैं थोड़ा ज़्यादा छोले डाल दिए थे। रात को ही भिगोने के लिए मैं डाल देती हूँ जो भी बनाना होता है ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में, और मोस्टली यही चीज़ें बनती हैं, आपको तो पता ही है। तो बस अभी छोले जो है तड़का लगा करके साइड में मैंने रख दिए। तो फिर आटा गूंद के अभी जब सबने बोला कि खाना खाना है, तो फिर मैंने गर्मा गर्म जो है ये रोटी तैयार की। और इसके अलावा बस गपशप हमारी चली हुई थी, चलिए अभी आपको भी ये वंदना हो सुनाते गया हैं। तैयार। ये बोल रही है कि यार मैंने अपने टेस्ट करवाए और ये भी जा रही है टेस्ट करवाने के लिए। मुझे भी जान प्यारी, तो मैं सोच रही हूँ कि वही थायराइड वगैरह, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा लग रहा है ना सिम्टम कि इंस्टेंट वेट बढ़ रहा है और शुगर वगैरह सारे, मतलब अब जब ब्लड लेना ही है तो सारे बोल दूंगी उनको कि सारे ही देख लो जो भी है, हाँ अलग हाँ कुछ ये नहीं है तो, हाँ बस। उसका भी करा देना, क्या नाम, लिपिड प्रोफाइल का हाँ भी। तो उसी में बोल दूंगी ना, ये भी देख लो ये भी देख लो। साथ हाँ में भाई भी जा रहे हैं, एक भी मिली है ना, एक भी मिली है ना वो उन्हें, 10 मिनट अंदर, और ये साथ में जीजू भी साथ जा रहे हैं, में इनका भी मतलब भाई कराते भी हैं। मिले क्योंकि रहता है। पता क्या होता है, टेस्ट वगैरह ठीक रहता है फिर बॉडी, मतलब कि यार पता होता है कि अगर थोड़ा बहुत अगर बढ़ जाए तो बंदा अपनी केयर कर लेता है हर चीज़ में। तो अब की बार तो छाड़ना नहीं है क्योंकि चलो करवा लेते हैं, जब आप बोल रहे हैं तो करवा हाँ, लेते नहीं हैं। जरूरी होता है वो। ये परिदेव जबरदस्ती करवा रहे हैं हमसे, मैं इंजेक्शन से बड़ा डरती हूँ, बड़ा भारी मतलब। और ब्लड देने से उस बारी, पिछली बारी जब पापा ने करवाया था ना जबरदस्ती वाला कि करा ले शुगर का, तो मैंने इधर से ना मैंने जबरदस्ती यूं निकाल 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 के यहीं से निकाल दिया सारा ब्लड। ये थे होना से हाँ हूँ तो इतना थे ना, पर मेरा ब्लड था ना मैं निकाली थी, होगा एच बी रहा टेस्ट था ना लग रहा, फिर मैंने तो इतना कर दो। फिर तीन बोला बोले नहीं इतना थे बहुत निकाले, मैंने नहीं निकाल नहीं दे, फिर तीन बोला कोई नहीं तो अगर निकल आता फिर मैं कुछ नहीं, तो ब्लड तो सही मैं नहीं बहुत नहीं 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 निकला। टेस्ट करवाने हम लोग जा रहे हैं, और आज होली का दिन है, देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि होली है आज, मतलब एकदम सुनसान। और अच्छा, आप सबको भी होली की बहुत बहुत मुबारक। तो अभी जी हमारा टेस्ट हो चुका है और रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। भाई जी डरते लग रहे हैं उन्हें, कैसी रिपोर्ट्स आएंगी? दिल तो घबरा रहा है कि रिपोर्ट अच्छी आएगी कैसा होगा, पर अच्छी आएगी हमारी वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा वो क्या बोलते हैं बीपी वगैरह सब ठीक था, नॉर्मल है, नॉर्मल है। ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं, फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे कैसी रही रिपोर्ट हमारी। और ये रिपोर्ट आ गई है भाई, क्या क्या हुआ बता जरा। हमारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, मतलब शुगर नॉर्मल है, लिक्विड वगैरह वो सारा नॉर्मल है। बस एक थायराइड का टेस्ट जो था ना वो अभी 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी तो उसका भेजा है उन्होंने, और बाकी ब्लड भी मेरा 12 HB, तो मतलब सब कुछ ठीक है, मेरा ही नहीं इनका भी भाई का भी, सारी जो भी था सारी रिपोर्ट सही है। आपका क्या क्या रिपोर्ट आई है? नॉर्मल रिपोर्ट है हमारी। तो बस आज तो आप खुश हैं, आज तो फिर शाम को हो जाए पार्टी। कुछ भी खा सकते हैं, ये कुछ भी खा सब सकते हैं, कुछ खा कोई भी सकते हैं। कोई परहेज नहीं, अब थोड़ी टेंशन कम हो जाती है ना जब रिपोर्ट ठीक आती है तो। नहीं यूरिक एसिड पड़ी है, कितना परहेज करा मैं, राजमा और मोटी दाल ना। नहीं नहीं जी, यूरिक एसिड कितना ठीक है अभी? 7 है, ठीक है, अभी बढ़ना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, तो क्या नहीं खाना चाहिए वैसे? भी दर्दा दुर्दा होता होता तो इसका जी, फिर ये मोटी दाल है, फैट्स वाली चीजें हैं अच्छा वो बंद कर, राजमा वगैरह। और यहाँ पे लेडीज डिपार्टमेंट का काम होता है, यहाँ पे हो रहा है लेडीज डिपार्टमेंट का काम, स्किन करना, हेयर की केयर करना, पैरों की केयर करना, हर चीज की केयर करना। तो ये डॉक्टर ऑर्थो की किट अप्लाई की जा रही है ताकि इसे और सुंदर पैर बन जाते हैं। मैं भी अप्लाई करूंगा इसके बाद, पहले रिजल्ट देखूंगा मैं। नंबर वाइज चली हुई है बात, लेडीज फर्स्ट।
ये क्या है सबसे पहले? ये है सूख के सूख। ये इसके अंदर पाना। तो यहाँ पर चला हुआ है जी पेडिक्योर, वन बाई वन सबकी टर्न आ रही है। और ये ना डॉक्टर ऑर्थो वाली किट है, इसमें सारा कुछ ही होता है, स्क्रब, मसाज, क्रीम, सब कुछ। तो बहुत जल्दी दूसरे चैनल पे मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। अभी कर रहे हैं हम लंच। हाँ लता, केड़ा बन रहा? अच्छा है। अच्छा है, आज तो बड़ी खुश लग रही है तू। है ये खुशी का राज हमको बता दे। हाँ सुहास, ये तो ठीक बोला आपने। और आज आप भी बड़े खुश लग रहे हो, आज की रिपोर्टें रिपोर्टें बिल्कुल ठीक आएगी आज है। और वंदना तू? बस मैं तो ऑलवेज खुश ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो खाना खा लो, हम भी खा लेते हैं। मैं बोलूं भाई की तरह डायलॉग भी, सारे खुश तो मैं भी खुश। हाँ ए अगल ए बोले उसने ठीक। और बस खाना वगैरह खा लिया, अब थोड़ी देर रेस्ट करना है। मुझे भी लगता है डर। तुम क्या करना है आज? तो लगता मुझे अरमान और नीता जी, और नीता जी खाना वाना खा लिया? यस। अब क्या करेगा घर पे? हाँ टीवी देखूंगा। टीवी? बस ये भी टीवी देखते हैं, बस टीवी और मोबाइल, मोबाइल और गेम। बताओ कब निकलेगा? 31 मार्च। 31 मार्च। 31 मार्च उस दिन क्या करेगा फिर? पार्टी। और भी इतने सारे रिजल्ट कब निकलेगा तेरा? 31 मार्च। तब की बार भी दोबारा टॉप पर है ना? हाँ। लॉकडाउन में किया क्या तूने ये पूरा साल भर? क्लास लगाई ऑनलाइन है। और क्या किया? नहीं वैसे स्कूल में मजे आते थे, घर में मजे आते थे? स्कूल में। नहीं यार मुझे तो घर में मजे आते थे। नहीं स्कूल। और शानवी आपने क्या किया पूरा साल भर? पढ़ाई। पढ़ाई क्या क्या पढ़ाई की? पढ़ाई की थी। आज से इसकी प्रैक्टिस है, अब ये पेन से लिखना स्टार्ट करेगी क्योंकि फोर्थ क्लास में लग गए हैं पेन। अब सिखाऊंगी इसको कैसे कैसे लिखते हैं ना। इसको कैसे पेन से लिखे ना। हाँ तो इंक वाले लेके आएंगे ना। और हीरो आप भी बताएं आप क्या करेंगे? मिट्टू राजा। मिट्टू राजा क्या है बोलो? ओ भाई बोल दे कुछ ना कुछ। ओ बोल दे। बोल दे मेरे चिन्नू मुन्नू। बोल दे मेरे चिन्नू मुन्नू। क्यों तू ऐसे उदास है? यहाँ पर ये एक मॉनिटर लिजार्ड है, एक ही नहीं है वैसे, बहुत सारी यहाँ पे रहती है ग्रुप में। तो अभी ना ये बहुत ज़्यादा छड़छड़ कर रही थी, मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाऊं। और डर लगता है, मतलब इसी वजह से ना मैं बच्चों को नीचे खेलने नहीं देती भाई, ऊपर ही रहो, ऊपर ही करना है जो कुछ भी उनका दिल करता है ना, कभी बैट बॉल वगैरह खेलने बाहर नीचे इसमें आंगन में जा कर के। तो इनका कोई भरोसा नहीं होता, बोलते हैं मतलब कि अगर एक बार ये पूंछ के अपनी मार देना तो एक ही वरी में बंदे को ख़त्म कर सकती है। और ये इनको ना पत्थर भी मारे तब भी हिलने का नाम नहीं लेती। अच्छा, इसके बाद मैं और तनिषा हम लोग गए थे मार्केट तक। वैसे मार्केट आज पूरी बंद है, मैंने कुछ सब्जी भी लानी थी और साथ में इसकी शानवी की डिमांड थी कि इसके लिए पेन लेके आऊँ, अभी फोर्थ क्लास से इसको पेन लग जाएंगे। तो बस हम लोग गए थे मार्केट और लेके आए हैं पेन। दिखाओ जरा शानवी कैसा पेन लेके आए हैं। 50 रुपीज़ का पेन है भाई, ये रहा इसका पेन। अब प्रैक्टिस करेगी आज से शानवी। अरे वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चली है। लो अभी करो प्रैक्टिस। तो आज से मतलब शानवी की प्रैक्टिस चली हुई है और साथ में यहाँ पे चली हुई है पार्टी, आइसक्रीम की पार्टी। ये है पतिदेव यहाँ पे लेट के खा रहे हैं। कहाँ मुंडी तो नजर नहीं आ रही, कहाँ गई मुंडी? मुंडी 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 नहीं दिख रही भाई, कैसे मतलब ये कुछ खो करूँ नहीं दिख रही है इनकी मुंडी। मैंने सारी सारे ए देखी है मुंडी। तो ये लेट के खा रहे हैं और ये देखो भी सारे जो है आइसक्रीम की पार्टी चली हुई है इनकी। कल से आई है इतनी शादो, कल से इनकी आइसक्रीम की पार्टी चली। कल भी आइसक्रीम मिली थी और आज
निशान दिख रही है। अच्छा वो है पीछे सानवी के पीछे, इतनी सरगायब हो गई। तो सानवी चली है प्रैक्टिस। और मिठू राजा जी आप भी सोचो जरा अपनी पढ़ाई के बारे में, स्कूल नहीं खुलने वाले हैं क्योंकि अब क्योंकि अभी रेस्ट है थोड़े दिनों तक कोरोना की वजह से। तो चलिए मेरे लिए भी लाए थे, मेरी कहाँ गई भाई, ये रही मेरी भी। ये क्या हो रहा है भाई, और मृदुल मृदुल इनको देख रहे हैं, मृदुल को कोई नहीं खिला रहा, ये खेल रहा है। तो आ जा तू तेरे साथ मैं खेलती हूँ, आ जा। और शानवी जी ये स्कूल की ड्रेस क्यों पहन रखी है, मुझे कहीं जाना है। स्कूल की ड्रेस में कितनी कितनी ड्रेस है तनीषा, इसकी कौन कितनी ड्रेस चेंज कर ली इसने, बिजी है भी नहीं सुनेंगी मेरी बात, कितनी ड्रेस चेंज कर ली इसने। ओ एक दिन की पता नहीं कितनी 36 ड्रेस चेंज करती होगी, बात नहीं मानती है ना अपनी मां, कभी काट के इसने कभी कुछ और बना देना कभी कुछ और। मेरी मेरा खाता खुल गया तो अब लगा ना, मतलब देख कैसे परेशान करते हैं ये दोनों मुझे, दो बच्चे हैं पर मृदुल मृदुल नीचे रखो पाओ। और यहाँ पर जी शेविंग हो रही है, कौन सा टाइम चूज किया है आपने, अपनी खेती है जब दिल करे जब इसको काट लो जब दिल करो इसको बढ़ा दो, ऐसे ऐसे है जी। मैंने कहा कि चल यार दोपहर ही भरी दोपहर ही में कितना मतलब 11 बज के होने इस वक्त, तो अभी इनको याद आ रही है शेव करने में जा रहा था अभी घूमने ना, कहाँ ये चीजें नहीं बताई जाती है, अकेले अकेले जाना है। चलो ठीक है फिर, चलो आपको मैं व्यू दिखाती हूँ ना भाई, इतनी कड़कती धूप में तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है, बहुत तेज धूप लगी हुई है ये देखो, बैठ के आंखों पे इतना प्रेशर पड़ रहा है जैसे भी कैसे खोलनी आंखें भी धूप में। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर बाहर निकलेंगे तो कैसा लगेगा, और वैसे मौसम तो ठीक ठाक है, ये देखो हवा चली हुई है ठंडी ठंडी, ये तो नहीं है कि भी हाँ बहुत ज़्यादा उस तरह की जैसे साउथ में पड़ती है ना गर्मी, उस तरह की तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी देखो हमारे मिट्ठू राजा ने तो ये पहना हुआ है जैकेट, ऐसा क्यों बहुत मुंडा बना हुआ है मेरा मुन्नू, ऊपर देख इसके साथ खेल नहीं रहे हैं ना कोई भी, चल मैं खेलूंगी अब तेरे साथ, क्या खेलना है बता मुझे है? आदमी को आगे तक दाना पड़ता है ना, फिर एक आदमी नीचे आ रहा है उसको पकड़ना आता है। अच्छा एक आदमी नीचे हो जाता है क्या मतलब, नीचे हो जाऊंगी फिर तू मुझे पकड़ेगा नहीं। ये ऊंचा ना, कहाँ है ऊंचा, ये है ना, और आप आगे दौड़ो फिर मैं नीचे आऊंगा ना, फिर आप मुझे पकड़ना है। अच्छा दौड़ना है मतलब, दौड़ के आना नहीं है या तो चल के आना है, तो दौड़ के आना पड़ता है भाई, पता नहीं अब चलो मैं समझती हूँ इसकी कौन सी गेम है ये, और समझ आ गई तो खेलूंगी इसके साथ। तो पता नहीं भाई कैसी गेम है आजकल के बच्चे तेज हैं कि पता नहीं हम बेवकूफ़ ज़्यादा हो गए हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी, और बस फिर आज के ब्लॉग की मैं यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।